पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। मैं दसवीं जमात की सानिया श्रावक को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करे। घड़ी है अलविदाई की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी है अलविदाई की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तान को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है गोकल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है गोकल भी मिलना है, लगाकर हाजरी झुकके निकलना लाजमी ठहरा। अजीज साथियों और जनाबे सदर, ये इस फितरत का कानून है कि यह हर वक्त तब्दीली होती रहती है और ये वक्त इस तरह चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है गोया गोया कायनात की किसी चीज के सुकून व करार नामुमकिन व महान है। हम सब लोग ये आज से कुछ अरसा पहले इस दरसगाह में दाखिल हुए थे तो हमारा मकसद अपने अजाइब और मकासिद की तकमील था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए और हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए संगे मिल की हैसियत रखता है। आज के बाद हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरे कुछ साथी मस्जिद तालीम के लिए कॉलेजों का रुख करेंगे और कुछ मेरे दोस्त अमर जिंदगी में अपना किरदार अदा करेंगे। ए दोस्तों ये मुलाकात तुम सदा रखना, ए दोस्तों ये मुलाकात तुम सदा रखना, बिछड़ भी जाओ तो यारों का सिलसिला रखना। बुझा दो जितने भी हो आज नफरतों के चिराग, बुझा दो जितने भी हो आज नफरतों के चिराग, अपने पास मोहब्बत का एक दिया रखना। जनाबे सदर, आज हम सबके चेहरों पर खुशियां सजाए उदास दिलों के साथ इस तकरीब में इकट्ठे हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और अच्छे भाइयों जैसे दोस्तों की जुदाई का गम भी है। जबकि हमें अपने शफीक असातिज़ा इकराम से जुदाई का रिलीज भी है, लेकिन हमारी दुआ है कि हम सब अपने मकसद से कामयाब हो जाए और हमें जिस मंजिल की तलाश है वो मिल जाए। अर्ज़ा कुछ यूँ है, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा, वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसल हो जाना, वो टीचर्स का अपसेट हो जाना, ये वक्त याद आएंगे, ये स्कूल याद आएंगे। अजीजुल मोमिनी, जब हमारी स्कूलें बंद हो गई थी कोविड-19 की वजह से तो हमें अजमत सर ने पढ़ाई का मुचना हो, इसलिए बहुत सी ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए सब सरों ने हमारी पढ़ाई का मुचना हो, इसलिए सब सरों ने हमारी पढ़ाई कराई ऑनलाइन के जरिए। इस रंज व मुसरत की फिजा में ये बात बयान करना जरूरी समझती हूँ कि जब हम इस मुकद्दस दरसगाह को छोड़कर दुनिया के वसी अमले में कदम रखेंगे, इस दरसगाह की इज्जत व तकद्दस और असेदाज़ा की तकरीम को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ये दरसगाह है, हमारी आशर हमारे वो असातिज़ा है जिन्होंने अपनी मंजिल का पता दिया और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। ये जो हमारी दरसगाह में उस्ताद होते हैं ना, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं, मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी बात अर्ज करना चाहती हूँ कि ये चंद साल जो हमने मिलजुल कर यहाँ गुजारे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत और हुस्न सुलूक से पेश आते हैं, यही रोया आइंदा जिंदगी में भी कायम रखेंगे। और जब कभी और जहाँ भी हम आपसे मिलेंगे तो गुजरे हुए लम्हा की याद हमें एक दूसरे के करीब तर करती रहेंगी। आखिर में आपकी खिदमत में निहायत पर खुलूस सलाम करती हूँ, अलविदा पेश करती हूँ और दिल की गहराइयों से ये दुआ करती हूँ कि जिंदगी के हर मैदान में खुदावंद आपका हमी नासिर हो, आमीन। वो मासूमियत वो अपनापन जो हमें हमारे स्कूल से मिला, जो हमें अपने स्कूल से मिला, वो हमें शायद ही कहीं और से ना मिलेगा, वो शायद कहीं और से हमें ना मिलेगा। शुक्रिया।